In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. Hope that you all will be fine. Today I will teach you lesson number 5. It is a poem, The Rainbow, of class 6. So I have written here some difficult words from this poem. Read it first. Rainbow koso kaza. रेनबो कोसो कजा. बेटा बारिश के बाद आप आसमान पर देखते हैं, मल्टी कलर की होती है रेनबो, आसमान पर आपको नजर आती है. सो बिहोल्ड मतलब देखना, हार्ट मतलब दिल, बिगेन शुरू करना, ग्रो मतलब नशोनुमा कर पाना या बढ़ना, डाय मरना, और बाउंड पाबंद, पार्टी तकवा. सो दिस पोयम इज ऑन पेज नंबर 28. So first I want to explain you the summary or the theme of this poem. After that I will read this poem. In this poem, The Rainbow, the poet William Wordsworth describes about the appearance of rainbow and expresses his desire to pass his days with the great respect for nature. ये पोयम जो है बेटा द रेनबो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है. विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर भी कहते हैं, पोएट ऑफ सॉलिट्यूड भी कहते हैं, और रोमांटिक पोएट भी कहते हैं. सो ये नज़म जो है बेटा विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, और ये नज़म जो है इसमें क्या कह रहा है विलियम वर्ड्सवर्थ, डिस्क्राइब्स अबाउट द अपीयरेंस ऑफ रेनबो. इस नज़म में वो कोसो कजा के नमूदार होने के बारे में बयान करता है, बताता है हमें, एंड एक्सप्रेसेस हिज डिजायर, और अपनी ये ख्वाहिश बयान करता है, टू पास हिज डेज विद द ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर नेचर, कि अपनी जिंदगी के वो दिन जो है, ये जो कुदरत है, कुदरत की जो चीजें हैं, नेचुरल जो ब्यूटी है, इसकी इज्जत करते हुए गुजारे. यानी कि अपनी लाइफ जो है वो नेचर से बहुत ज्यादा इंस्पायर था, खुदा की बनाई हुई चीजों से, जिसकी वजह से पॉइंट ऑफ नेचर भी कहते हैं. तो वो इस नेचर से इंस्पायर होकर उसने बहुत सारी पोएम्स जो है बेटा वो लिखी हैं. द पोएट्स हार्ट बिकम्स फुल ऑफ प्लेजर व्हेन ही लुक्स एट द रेनबो. शायद कहता है कि उसका दिल जो है वो खुशी से भर जाता है, वो बहुत ज्यादा खुश होता है जब वो कोसो कजा को देखता है. The appearance of rainbow always remains unchanged. जो कोसो कजा है उसका जब भी वो नमूदार होती है आसमान पर, वो कभी भी बदलती नहीं. As like हम इंसान जो है बेटा, पहले छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बुढ़ापे की तरफ चलते हैं, इस तरीके से वो जो रेनबो है वो कभी भी तब्दील नहीं होती. जब भी आसमान पर कोसो कजा नजर आते हैं तो वो हमेशा एक जैसा ही होता है. So when the poet was born, जब शायर पैदा हुआ, the rainbow was there, उस वक्त भी रेनबो वहां पर थे. It remains there when he is young, जब वो जवान हुआ तब भी रेनबो वही थी, मतलब बिल्कुल वैसी उसी अंदाज में जैसे उसने बचपन में देखा था. It will be there when he grow old or when he will die. वो कहता है जब वो बड़ा चला जाएगा, उसकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, फिर भी ये रेनबो वही रहेगी, सेम रहेगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी. वो आखिरकार ये दुनिया छोड़कर चला जाएगा, लेकिन रेनबो वही की वही मौजूद रहेगी. लाइफ इज कनेक्टेड विद पास्ट, विद अवर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. और इसी रेनबो की तरह, इसी कोसो कजा की तरह, हमारी जिंदगी भी जो है माजी, हाल और मुस्तकबिल के साथ जो है वो जुड़ी हुई है. So, today's child will be tomorrow's father, so he wants goodness every day. तो वो कह रहे हैं today's child will be father of tomorrow. मतलब आज जो बच्चा है वो आने वाले वक्त में क्या बन जाएगा, एक फादर, एक बाप बन जाएगा. सो हमें हर अपना दिन जो है बेटा बड़े अच्छे तरीके से जो है गुजारना चाहिए. हर दिन कोई ना कोई अच्छा काम हमें करना चाहिए. सो ओपन योर बुक्स पेज नंबर 28. माई हार्ट लीव्स व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई. मेरा दिल खुशी से भर जाता है
जब मैं कोसो कजा को आसमान पर देखता हूं. सो वाज इट व्हेन माय लाइफ बिगेन, जब मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई थी तब. सो इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड, मैं वक्त के साथ साथ शायद पैदा हूं, वक्त के साथ साथ जैसे बड़ा होता जाऊंगा. जब मैं पैदा हुआ तब भी रेनबो में थी, जब मैं अपना बचपन गुजारा मैंने बचपन में देखा तब भी रेनबो थी, वक्त के साथ साथ जैसे वो बढ़ता चला गया रेनबो मौजूद थे. और लेट मी डाई, कह रहा मैं मर भी जाऊंगा तब भी ये जो रेनबो है ये क्या रहेगी, मौजूद रहेगी. द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, वो कह रहे हैं आज का जो बच्चा है वो कल आने वाला वक्त में जाहिर है बहुत बच्चे जैसे गुजरता चला जाता है तो वो भी क्या बन जाता है, फादर बन जाता है. एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बॉर्न डेज टू ईच बाय नेचुरल फाइटिंग. और कह मेरी ख्वाहिश है कि क्योंकि हमारी जिंदगी जो है बेटा वो भी क्या है, माजी है और मुस्तकबिल से क्या है कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है. तो हमें भी ऐसे काम करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए. अगर कोई माजी में कोई गलती सरजद हो गए हैं तो अब हर वक्त हमें उस पर पछताना नहीं चाहिए, हर वक्त बैठकर आंसू बहाना नहीं कि मुझसे ये गलती सरजद हो गई, ऐसा नहीं बेटा. अपने माजी की फिक्र में अपने हाल को बर्बाद मत करें और हमारे फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचें कि मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, मतलब अपना टाइम सिर्फ सोचो में जा करें, बल्कि व्यवहार को अच्छे तरीके से जिए, अच्छे से मेहनत करें ताकि आने वाले वक्त में आपको जो है उसका फल मिल सके. सो इट्स ओवर टुडे, आई हैव फिनिश्ड दिस पॉइंट. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल टीच यू द एक्सरसाइज ऑफ दिस पोएम. टेक केयर.